सो फाइनली गाइस आप देख सकते हैं कैसा रास्ता है, बड़ा जंगल सा प्यारा सा। अभी रस्ते पे से होते होते हम मंदिर तक पहुँचेंगे, फिर वहाँ से घूमते हुए अपनी गाड़ी के पास जाएंगे। होए होए, बहुत ही बढ़िया, बेहतरीन पारी। सो फाइनली गाइस वी आर रीच इन मंदिर दादी, और ऊपर ऊपर अब जा रहे हैं हम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, कॉल आ रहा है। तो अब ऐसे आएंगे, यहाँ पे मंदिर है माता का, और बी सेफ केयरफुल, बंदर हो सकते हैं फोन ले जाने के लिए। तो सामने मत्था टेकते हैं, जल्दी जल्दी वापसी निकलते हैं। जय बजरंगबली, मस्त है। नीचे दर्शन करते हैं और चलते हैं फटाक से। ये भी गैस है, पर जोर से कट्टे इन्हें तो कट्टी बड़ी मेन की, इन्हें प्रेशर बनाता है, मेन गैस ही है भी। इसने निकाल दिया सारा सौदा, हमारे को विटामिन सी चाहिए था। स्किन भी कितनी ड्राई हो रही है, यू नो। ओह माय गॉड, या या है ना, भाभी जी पप्पी देने से भी सोचेंगे ओ ही वाज सो ड्राई एंड रफ। या या टाइम पे तो रस्ते में लंबा एमएल पेपर होना, ये दे दिया मुझे। चार मुंडे ने जेडी, हां पीले गोरी जी मोटा रसगुल्ला, हां हटया टोर बहन चो मेरी निधि, वो मैरिड से है भाई ना, सिंदूर ना कुछ। बाबू जी बैठो, वो जिस बच्चे ने कहनी तेरी फोटो कहना कल बात की थी, बात होती थी है पैंट से चॉकलेट वर्गी गंड, तेरी कसम पहले हम आओ पर जाऊंगी अब। सो फाइनली गाइस वी आर रीच इन नैनीताल भाई, क्या बात कर रहे हैं यार, कितना प्यारा ले गए। सर घूमना है देखो, ये इस टाइम नैनीताल में हम, अब यहाँ से सीधा हम जाएंगे नीचे दिल्ली की तरफ, रुकेंगे नहीं यहाँ पे हम। फाइनली गाइस या होटल लिया, हाँ वो या वही नैनीताल माल रोड, और देख सकते हैं आप हम लोगों ने भी यहाँ पे एक बार बाइक से आए थे, तो वैसा कि यहाँ से दिल्ली मिल जाएंगे। अराइवल टाइम दिल्ली दिखा रहा हमारा 10 बजे का, 12-1 बज जाएगा हमारे को, जितने बजे बस निकले 10 बजे की, और कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा अच्छा खासा सारे बंदे अधिकतर चले गए, बाकी ठीक है, ओके रिपोर्ट है। बर्फ पड़े वाली मौसम पहले बदला देंगे। हम लोग फाइनली पहाड़ों से नीचे उतर आए हैं और हमारी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, बाकी अब यहाँ पे हम फ्रूट्स खाएंगे थोड़े बहुत अच्छे से फर्स्ट क्लास, तो उसके बाद अपना तैयारी हमारी आगे की होगी, फिर देखते हैं। बाकी खाना वाना खाने का मन तो अभी नहीं कर रहा, इसलिए फ्रूट्स खा के काम चलाएँगे। अंगूर और हमने लीची स्ट्रॉबेरी लिया, स्ट्रॉबेरी खाएँगे। पूरा सिंगल रोड है मुरादाबाद तक, मुरादाबाद के बाद जाके थोड़ा सा रूट सही होगा, बाकी देखते हैं कितना खींच सकते हैं अभी। तो फाइनली गाइस हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं गजरोला में, बर्गर किंग पे पाजी की जीत थी, पाजी ने कहा भाई बर्गर किंग पे मेरे को बर्गर खाने, इस चक्कर में रुके नहीं, तो हम तो यहाँ साथ में मोगा पे रुक रहे थे। ये हमारी कार है, ये हम है, और ये हमारी तो ऐसा है कि अब यहीं रुकेंगे हम लोग, बर्गर वर्गर खाएंगे नॉर्मल थोड़ा सा, क्योंकि मैं सुबह से कुछ खाया नहीं है आज, हमने सिर्फ एक सुबह वही पराठे खाए थे। उसके खाने ना खाने से तेरे किसी सब्सक्राइबर को फर्क नहीं है मेरे भाई, ऐसे ऐसे लोगों की वजह से हम डीमोटिवेट होते हैं, ऐसे लोग हमारे को डीमोटिवेट करते हैं, इसलिए हमारा चैनल ग्रोथ नहीं कर पा रहा। देख रहे हो, तूने पेशाब किया और सबसे ज्यादा टट्टी नहीं करी है, खाया नहीं खाया, तेरे कहाँ जा रहे हो? अब जो है यार गरम पानी। सो फाइनली गाइस हम लोगों ने पहले बर्गर किंग में अपना बर्गर वर्गर खाए, फिर उसके बाद हम यहाँ पे चाय पीने आए बिकनेर वाले में, पाजी की डिमांड थी कि मेरे को चाय पीनी, तो बिकनेर वाले की पीनी है। इस पाजी ने ऑप्शन दे दिया, हमारा इम्तियाज अली डरा दिया पाजी ने, तो अब यहाँ से ऑप्शन दे दिया, चाय पिए टट्टी कर, बस वो चाय लेके आ रहे हैं, फिर हम जाएंगे चाय पियेंगे। ये बैग खोल के
बीच में सेट करते रहेंगे। सो फाइनली गाइस यहाँ पे पाजी को हमने बोल दिया है बाय, पाजी चले गए ऊपर और रॉबिन भाई अपना हम लोग यहाँ से कैब पकड़ेंगे क्योंकि भैया को बहुत जल्दी से जल्दी गुड़गांव पहुँचना है, इनकी हालत ख़राब हो चुकी है बहुत ज़्यादा। इन्होंने कह रहे हैं मेरे को भाई कल सुबह ऑफिस जाना है, भाई कंपनी में बहुत अच्छी पोस्ट में है, बढ़िया है, मैं तो चाहता हूँ एमडी बने जल्दी से जल्दी ताकि और अच्छी है। और कुछ तो सामान तो नहीं है यहाँ पे, नहीं है तो बाकी फिर निकलते हैं, चलो चलो अब चलो। तो फिर निकलते हैं, गाड़ी में बैठते हैं और उसके बाद आगे बातचीत करते हैं आपसे क्या हिसाब किताब है। ओके सो फाइनली गाइस अब हमने अपना कहते हैं रॉबिन भाई और गौरव भाई को हमने अलविदा कर दिया है और यहाँ से धोला कुआं से मैंने क्या कहते हैं कैब पकड़ लिया, अब यहाँ से कैब पकड़ के सॉरी ऑटो पकड़ लिया मैंने, बस आप सीधा घर पहुँचते हैं यहाँ से डायरेक्ट फटाफट, उसके बाद फिर आगे आपको बताता हूँ मैं। सो फाइनली गाइस नाउ वी आर रीच एट होम और बहुत अच्छा ट्रिप था, फर्स्ट क्लास निकल गया, कोई दिक्कत नहीं हुई किसी भी चीज़ की, बस फर्स्ट क्लास। मुक्तेश्वर से था, छोटा सा शॉर्ट ट्रिप बनाया था सिर्फ हल्के से इन्जॉयमेंट के लिए, गाड़ी से गए लेकिन बहुत ज़्यादा मेरे को अच्छा लगा, वॉमिटिंग हुई मेरे को, गाड़ियाँ क्योंकि ऐसे ऐसे घूम रही थी ना पहाड़ों पे तो दिक्कत बहुत होती है। बाकी फर्स्ट क्लास ट्रिप था, सब अपने अपने घर पहुँच गए, मैं भी सिर्फ सोने ही जा रहा हूँ, 12:30 बजे 12 बजे के बीच में मैं आ गया था घर पर, वही टोटल 8 आवर का ट्रिप था, इतने बजे मैं घर से निकला था, उतने बजे ही सेम टाइम पे मैं घर में एंट्री मारी। बाकी वीडियो पूरी देखना सारी जितने भी है, मुक्तेश्वर सीरीज़ और नैनीताल सीरीज़। बाकी मिलते हैं जल्दी से किसी एक नए नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि मेरा बहुत जल्दी एक नया बढ़िया सा रोड ट्रिप आएगा बाइक वाला, बताऊँगा कहाँ पे। ओके सो गुड नाइट, मिलते हैं जल्दी नए एक नए रोड ट्रिप पे, सही गुड नाइट टाटा।